अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वाटनी कैप्सूल किस तरह यूज़ किए जाते हैं, पॉलर सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। आपको ये बताऊंगी कि किस स्किन टाइप के हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है, किन प्रोडक्ट में यूज़ करना है, मिक्स करना है या डायरेक्ट लगाना है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है। स्किन के हिसाब से आपको वाइटनिंग कैप्सूल की जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी शेयर करूंगी। इसके अलावा इसके साथ आप एक परफेक्ट सी फ्लॉलेस सी बेस कैसे हासिल कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को देखना है एंड तक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। तो मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, करते हैं यहाँ वीडियो को स्टार्ट। मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास है ये वाइटनिंग कैप्सूल जो कि बाज़ार में आपको इजीली मिल जाते हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं, इजीली मिल जाएंगे मार्केट में, कुछ इस टाइप के होते हैं। अगर आप इनको देखें तो आप इन मतलब जानते होंगे, आपने और भी बहुत सारी वीडियोस में देखा है। लेकिन जो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि इसको स्किन के हिसाब से किस तरह यूज़ किया जाता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इनको इसको यूज़ कैसे करने यूज़ के करेंगे। लिए इनको आप दरमियान से कट करते हैं, और जब आप इनको कट करते हैं तो इसमें जो कुछ इस तरह से मटेरियल निकलता है, मैं आपको यहाँ पे इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि इसका जो मटेरियल है वो किस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह से क्रीमी फॉर्म में होता है, और अगर आप इसको देखें तो इसमें ऑयल भी साथ साथ मौजूद होता है, यानी क्रीम और ऑयल मिक्स होते हैं इसके अंदर। ये कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है, ठीक है। एक कैप्सूल से इतनी सी क्वांटिटी निकलती है। अगर आप इसको अपनी किसी भी फेस पॉलिश करने लगती हैं और उसमें यूज़ करती हैं तो ड्राई स्किन कर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है कि इसको आप स्किन पॉलिशिंग करें। जब भी कोई करे, आप पार्लर जाती हैं, आप देखती हैं बहुत ज़्यादा ग्लो आपके फेस पे आ रहा होता है, आपकी स्किन जो है वो बहुत फ्रेश हो जाती है, ग्लोई हो जाती है। तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि आपने देखना होता है कि टाइप कौन सी है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप लाजमी अपनी जो स्किन पॉलिश है उसके अंदर इस तरह के मिक्सचर को ऐड करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ड्राइनेस की वजह से स्किन पे जब आप पॉलिश करते हैं तो वहाँ पे ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं। मोस्टली मेरे साथ तो यही होता है, मेरी स्किन ड्राई है। तो अगर हम इस तरह की स्किन वाइटनिंग कैप्सूल डाल देते हैं तो क्योंकि ये क्रीमी और ऑयल बेस्ड है तो आपकी स्किन ना तो ड्राई होती है ना ही रैशेज होते हैं, और साथ ही साथ ये आपको ऐसा ज़बरदस्त वाइटनिंग इफेक्ट देता है, आपकी ब्लीच की जो इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है, और साथ ही साथ आपको ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन आपकी बहुत ग्लो कर रही होती है। तो ये एक तरीका है ड्राई स्किन के लिए इसको यूज़ करने का, कि आप इसको किसी भी स्किन पॉलिश करने लगे हैं, चाहे डर्माकॉस ले लें, क्यों नहीं ले लें, जो भी आप स्किन पॉलिश का मेथड यूज़ करते हैं उसमें आप इसको ज़रूर यूज़ करें अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वाले इसको किस तरह यूज़ करें। अगर ऑयली स्किन वाले इसको डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उससे उनकी स्किन पे पिंपल्स और रैशेस होने का खतरा होता है। इसके अलावा, इसके साथ साथ ये जो सेंसिटिव स्किन है उसके लिए भी इसका यूज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसको ऑयली स्किन वाले का यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप एलोवेरा जेल ले लें, क्योंकि ये एक सूदिंग लोशन भी है, साथ ही साथ ये एक वो है सीरम टाइप है, तो ये आपकी एक बहुत अच्छी सी एक क्रीम सी बन जाएगी। देन यू कैन यूज़, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस पे इसको यूज़ कर सकते फेस हैं। पे इसको डायरेक्टली, ये देखिए जब मैं इसको लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ऑयल है। तो आप इसको एलोवेरा जेल के साथ यूज़ करके अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनकी स्किन ऑयली है उनकी स्किन पे ये परफेक्टली सेट हो जाएगा, और आप आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से, आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्ती शाइन करेगी। अगर आप देखें तो मेरे हाथ पे कितनी ज़बरदस्ती एक शाइन आ रही है। तो इसको अगर ऑयली स्किन गर्ल्स हैं तो वो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं कि वो इसको एलोवेरा जेल के साथ यूज़ करें। अगर इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तब भी आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करेंगी, इसको आप एलोवेरा जेल के साथ मिक्स कर सकती हैं। और भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, इनको और भी बहुत चीज़ों के साथ मिक्स किया जा सकता है। लाइक अगर आपकी आप किसी भी इस तरह के मास्क के साथ इसको यूज़ कर सकती हैं। इसका फुल रिव्यू मेरी चैनल पर मौजूद है, डर्मा शाइन का। ये प्योर ऑर्गेनिक फेस जो है वॉश मास्क है, ब्लीच मास्क। इसके साथ अगर आप एक वाइटनिंग कैप्सूल जो है उसको यूज़ करती हैं, एक वाइटनिंग कैप्सूल इसके साथ आप मिक्स करें तो आपको फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी ब्लीच करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लीच मास्क है, उसके अंदर एक वाइटनिंग कैप्सूल चला जाएगा तो ये और आपकी स्किन को लाइटन कर देगा। आपके फेस को ऑलरेडी ऑर्गेनिकली कह लें या हर्बली कह लें या नेचुरली कह लें, ये आपकी स्किन को ब्लीच कर देगा विदाउट आपके बालों को ब्राउन किए हुए, और आपकी स्किन को 100% वाइटनिंग इफेक्ट देगा। अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ करती हैं, इसके साथ साथ इसका हैंड एंड फीट फार्मूला है वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है,
आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, तो ये बेस्ट वे है यूज़ करने का। वाइटनिंग कैप्सूल को किसी भी इस तरह के मास्क के साथ यूज़ कर लें तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज़ है इसका वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको अगर आपकी क्रीम है तो कोई भी आपकी जो फेस क्रीम है जो आप लगाते हैं डेली बेसिस पे, उस पर आप इसके अंदर इन कैप्सूल्स को डाल के मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता वो लाइटर होनी शुरू हो गई है, तो उस पर अगर कोई टू टोन हुई हुई है स्किन तो उस पर भी आपको इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये एक आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। ये इसकी वो मेथड है आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हर एक की स्किन टाइप पे सूट कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले अगर इसको डायरेक्ट लगाते हैं ना अपनी स्किन पे तो उनकी स्किन पे दाने निकलने का खदशा होता है। ये मैंने ट्राई किया हुआ है और इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसके डिसएडवांटेजेस एज सच को ही नहीं है, बस अपनी स्किन टाइप को देखने के साथ ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करना चाह रही थी मेकअप एप्लीकेशन की। मेकअप एप्लीकेशन का यही तरीका है कि जिस तरह मैंने इसके यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं, मैंने ये अगर आप अपनी फेस पे इसको लगा लें सारे को और बस इसको उसके मेकअप करने से पहले, इसके अंदर एलोवेरा जेल भी है, इसके अंदर वाइटनिंग वो भी कैप्सूल भी हैं, ये आपकी स्किन पे ऐसे जज़ब हो के अच्छे से जज़ब हो जाएगा आपकी स्किन पे। ये देखें आपकी स्किन के कलर को जो है वो थोड़ा सा ब्राइटन कर देगा, लाइटन कर देगा। देन फिर आप इसके ऊपर जो है वो मेकअप एप्लीकेशन कर सकती हैं। कोई भी अपनी बेस जो बनाती हैं तो उससे आपकी जो स्किन है उसका जो कलर है वो एक टोन थोड़ा सा लाइट, एक टोन तो नहीं कहना चाहिए लेकिन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा कलर आपकी स्किन का। तो फिर आप उससे जब बेस बनाएगी तो वो बड़ी फ्रेश सी ग्लोई सी बेस बनेगी, और क्योंकि इसको एलोवेरा जेल के साथ आप मिक्स करेंगी तो इसको लगाने का कोई नुकसान भी नहीं है। नंबर दो ये होगा कि आपकी स्किन पर जो भी पोर्स वगैरह हैं उनको भी ये एलोवेरा जेल होने की वजह से पोर्स भी आपके श्रिंक हो जाएंगे। एक प्राइमर के तौर पर आप इसको अपनी बेस के साथ लगा सकती हैं, लेकिन डेली इसको जारी बात बेसिस पे ना आप यूज करें कि एक कैप्सूल डेली आप बेस लगाने से पहले लगा रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपने किसी कोरियन पे जाना होता है और आप बेस बनाते हैं और आपको एक अच्छी हेल्दी बेस चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका रंग जो है थोड़ा सा ब्राइटन हो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, ड्यूई हो जाए आपकी बेस, तो आप फिर इस तरीके से व्हाइटनिंग कैप्सूल को यूज़ कर सकती हैं। अपनी बेस लगाने से पहले इसको अप्लाई कर सकती हैं तो आपकी फ्लॉलेस सी जो है वो बेस इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगी। तो ये थी वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही थी। ये पॉलर सीक्रेट्स थे जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। पॉलर सीक्रेट्स होने के साथ साथ आपका ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। पॉलर्स में यही बात ही होती है, पॉलर्स वालियाँ ये बात जानती हैं, वो उनको स्किन टाइप का पता होता है तो वो उस हिसाब से आपकी स्किन पर इन कैप्सूल्स को यूज़ करती हैं। कोई भी कैप्सूल हो, चाहे ये कैप्सूल हो, चाहे विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वो हो, तो वो उन्होंने इनको टाइप्स को अपनी स्किन की टाइप को देख के यूज़ करना होता है। तो यही बातें थी जो मेरी आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। अगर वीडियो को आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बोलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।